गुड मॉर्निंग यारो, और स्वागत है आप सभी लोगों का आज के कौन है वीडियो में। तो क्या हाल है यारो, तो अभी सवेरे के 9 बज चुके हैं और मैं आया था अपने खेतों पे घूमने के लिए सवेरे सवेरे, अपनी धान की फसल वसल देखने के लिए कि कैसा चल रहा है, अपने धान की फसल फूट रहे हैं या नहीं फूट रहे हैं, गमराया है नहीं, वही सब देखने के लिए आया था। और आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज 7 सितंबर है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और क्योंकि ये वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थारू जनजाति के लोग, थारू ट्राइब्स के लोग कैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि थारू जनजाति के लोग कैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो उधर अभी हम लोग शाम को मिलते हैं, जब अपने मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर बढ़िया से डेकोरेशन होगा, क्योंकि जो हम लोग गाँव वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, हर घर से कोई 10-20 कोई 100-50 अपने खुशी के हिसाब से जो पैसे देते हैं ना, सब इकट्ठा करेंगे चंदा, और वहाँ से भगवान श्री कृष्ण की मार्केट से मूर्ति लाएंगे, डेकोरेशन वाला सामान लेके आएंगे, फिर मंदिर को पूरा सजाया जाएगा और बढ़िया तरीके से पूजा पाठ किया जाएगा। और जो अपने गांव में चलती है ना श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 3 दिन चलती है। पहले दिन पूजा होता है जिस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है, फिर दूसरे दिन संगीत प्रोग्राम होता है, नाच गाना बजाना भजन कीर्तन सब कुछ होता है, और तीसरे दिन जब पूरे जो नहीं होता है श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है, एक बढ़िया से डोली बनाया जाएगा, डोली बनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण को उसमें रखा जाता है मूर्ति को डोली के अंदर, और गांव के हर घर में पूरा जितना भी घर है अपने गांव में 125 घर लगभग है, उस घर हर घर में जाके घुमाया जाता है डीजे के साथ, गांव मतलब घर घर जाएंगे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर डोली सहित, वहाँ पर पूजा पाठ लेके जाएंगे, उस घर वाले पूजा पाठ करेंगे अपने हिसाब से, जो भी खुशी रहता है चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनकी आशीर्वाद लेते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का, और मस्त रोडों पे डीजे के साथ बस घुमाते हैं, तो लोग जो घुमाने वाले घुमाते हैं, और नाच गाना करने वाले और डांस करने वाले मस्त तरीके से डांस करते हैं, और शाम तक जाके अपने गाँव के नदी में मुसिया नदी में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है, और उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ का समाप्त हो जाता है, क्योंकि 3 दिन हो जाते हैं। तो चलो अभी हम लोग शाम को मिलते हैं, जब डेकोरेशन का हम लोग काम करेंगे, तो मिलते हैं यारो। तो ये है हमारे गांव का खूबसूरत सा खूब प्यारा सा शिवालय, भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर, और अभी ये मंदिर के अंदर मस्त डेकोरेशन का कार्यक्रम चल रहा है, सब लोग मिल के गाँव वाले मंदिर को सजा रहे हैं, जो हम लोग मार्केट से लेके आए थे डेकोरेशन वाला सामान, उसी सामान से बढ़िया से मंदिर को सजाया जा रहा है, और ये मंदिर का अंदर वाला हिस्सा है, ऊपर घंटी बनी हुई है, और नीचे मंदिर की जगह बढ़िया से स्थापित किया गया है भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग, और ऊपर देखो शेषनाग है, साथ में भगवान गणेश जी की मूर्ति है और भगवान नंदी जी की मूर्ति इसमें स्थापित की गई है। और यहाँ पर हमारे भाई साहब ये छोटे अनुज है, यहाँ पर मस्त डेकोरेशन कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, जो हम लोग डेकोरेशन वाला सामान लेके आए उसी से मस्त तरीके से गेट, जो मंदिर के अंदर गेट नहीं जाते हैं, वहाँ सब सजा रहे हैं, और बाकी ढेर सारे लोग यहाँ पर सजा रहे हैं, देखो सब मिलजुल के गाँव के लेडीज लड़कियाँ हो गए लड़के हो गए, सब बढ़िया तरीके से मिलजुल के डेकोरेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब मंदिर को सजा रहे हैं, यहाँ पर सब मिल के बलून फुला रहे हैं, बलून भी सब गुच्छे बनाए जाएंगे, गुच्छे बनाने के बाद मस्त मंदिर के बाहर मंदिर के अंदर बढ़िया तरीके से सजाया जाएगा। और ये सामने जो रखा गया है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी, और उसके बाद करीब 8 या 9 बजे के आसपास यहाँ पर पूजा स्टार्ट की जाएगी। तो चलो मिलते हैं, लगभग मतलब डेकोरेशन का काम ख़त्म हो चुका है, और मिलते हैं हम लोग यारों जब पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो यारो अभी रात के 8 बज चुके हैं और पूजा शुरू होने जा रही है जन्माष्टमी की, लोग अपने अपने घरों से पूजा का सामान थाली में रखकर दीपक जलाकर और उसमें प्रसाद चाहे केला या सेब हो सब चढ़ाने के लिए लेके आ चुके हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, और गांव के जितने भी बच्चे बूढ़े बुजुर्ग हैं सब मंदिर के बाहर आकर इकट्ठा हो चुके हैं भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन वर्शन करने के लिए और प्रसाद उरसाद खाने के लिए, क्योंकि पूजा के बाद प्रसाद का वितरण नहीं होता है तो सबको दिया जाता है प्रसाद। और जो सामने भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखी गई, अभी इस मुंह पे उनकी पट्टी बनी हुई है, तो इस पट्टी को खोला जाएगा ही बाद में, जो पट्टी खोलता है सबसे पहले मतलब जो दर्शन करना चाहता है वो अपने हिसाब से अपनी खुशी से 1000, 1200, 2000 रुपये चढ़ाता है सबसे पहले दर्शन करने के लिए। और सामने अपनी दादी जी बैठी हैं, पूजा की तैयारी कर रही हैं, कलश रखा है उसमें दीपक ऊपर सब दिए जलाए जा रहे हैं, अगरबत्ती चलाई जा रही है, और अगरबत्ती दीप जलने के बाद पट्टी खोलने की रस्म शुरू हो जाएगी। और जो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये अपने चाचा चाची जी हैं, इस जन्माष्टमी पर यही पट्टी खोलेंगे भगवान श्री कृष्ण जी का, मतलब सबसे पहले यही दर्शन करेंगे, इन्हीं दोनों के द्वारा सबसे पहले दर्शन किया जाएगा, इनके बाद सभी लोग गांव के जितने भी लोग व्रत फास्ट रखते हैं ना बारी बारी करके भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन करेंगे और पूजा करेंगे।
रोज सवेरे के 12 बजे आप सभी लोगों का फिर से इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। और सवेरे के 12 बज चुके हैं और अभी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। अभी होशियारी में उनका मस्त तरीके से ही पूजा वूजा किए जा रहे हैं। जितने भी लोग अभी आए हैं, मतलब गांव के सारे लोग आके उनके पूजा कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, उनको टीका ऊका लगा रहे हैं। इसके बाद उनके जो भी सवरी में नहीं है उनका नाड़ा करता जाएगा। नाड़ा करने का मस्त तरीके से उनको नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा, फिर कपड़े से उनको साफ़ किया जाएगा। साफ़ करने के बाद एक सफ़ेद कपड़े उनको लपेटा जाएगा। फिर सभी लोग बारी बारी आके इनका दर्शन करेंगे, मतलब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। अपने हिसाब से अपने तरफ से जो खुशी होती है, 1 रुपये 2 रुपये दर्शन करने के लिए कोई 10 रुपये चढ़ाता है और अपने हाथों में लेके उनको खिलाते हैं मस्त तरीके से। कोई बच्चे की तरह रोता है, कोई क्या करता है, सब अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। और अभी मस्त तरीके से यहाँ पर भी भजन कीर्तन, बाहर कीर्तन मंडली बैठी हुई है, कीर्तन होगा। कीर्तन सवेरे 4 बजे तक चलेगा, उसके बाद बाकी सारे पूजा वूजा किए जाएंगे। जैसे व्रत जो लोग रहते हैं वो तो जो व्रत का सामान लेके आते हैं, अपने दीपक कोई जलाए रहते हैं अपने थाली ओली में, तो सवेरे जाके सवेरे 4:30 बजे जाके नदी में विसर्जन करेंगे। तो आओ चलते हैं और मस्त तरीके से ही कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उनके जन्मदिन को। तो आओ चलो देखते हैं यारों। उठा जल्दी ठीक है, मोड़ के ना के जल्दी कोई मैं आहा ले तुम। हां जल्दी कैसी ना पैसा ला रे मुकी ना चल मुको रे आय रे तोरे कुल दे। अरे सरस्वती तेल भर वंद करो प्रवास बहु नया वै पारी लिया हो आलो को आने का ये जनम का
Thank you.
जा।